दोस्तों नमस्कार। गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का सेकंड लेक्चर, और इस सेकंड लेक्चर के अंदर हम लोग टाइप टू और टाइप थ्री को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को, और आज की क्लास में हम लोग टाइप टू और टाइप थ्री को पढ़ेंगे। दोस्तों टाइप टू से पहले कल मैंने आप लोगों को एक होमवर्क में क्वेश्चन दिया था, पहले वो डिस्कस करते हैं, उसके बाद टाइप टू के क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। कल मैंने आपको शायद ये वाला क्वेश्चन होमवर्क में दिया था, 11 नंबर। तो पहले हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है क्वेश्चन वाला कि एक व्यापारी अपनी वस्तु का विक्रय मूल्य लागत मूल्य से 15% बढ़ाकर निर्धारित करता है। अपना लागत मूल्य से, अब व्यापारी जो है ना, अपना विक्रय मूल्य लागत मूल्य से माने क्रय मूल्य से 15% ज्यादा बताता है। वो 15% ज्यादा बताने का मतलब ये हुआ कि अगर हम 15% की फ्रैक्शन में वैल्यू निकालें तो मेरे भाई आएगा ये 3/20। ये यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब वस्तु का अगर लागत मूल्य या क्रय मूल्य अगर 20 रुपये है तो 3 रुपये का उसको ज़्यादा बढ़ाकर अंकित करना है, माने मार्क प्राइस उसका 23 रुपये हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर उस वस्तु का CP 20 रुपये है तो वो इससे 3 रुपये बढ़ाकर अंकित करना चाहता है, और 3 रुपये अगर वो बढ़ाकर अंकित करना चाह रहा है, इसका मतलब उसका जो मार्क प्राइस है ना, वो मार्क प्राइस आ जाएगा मेरे दोस्त 23 रुपये। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? हाँ सर, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जरा आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन वाला कह रहा है कि यदि वह वस्तु को, वास्तु की जगह वस्तु होगा, वस्तु को निर्धारित मूल्य से 12% कम मूल्य पर बेचता है। निर्धारित मूल्य ये वाला है, इस 23 रुपये से 12% कम में बेचता है। 23 रुपये से 12% कम में बेचता है, मैंने सेलिंग प्राइस की बात कर रहे हैं। तो 12% कम में बेचने का मतलब ये हुआ कि वो मेरे दोस्त उस वस्तु को कितने में बेचेगा, सेलिंग प्राइस उसका निकाल लेते हैं। तो अगर वो 12% कम मूल्य पर बेच रहा है तो वस्तु को इसका मतलब 88% में बेचा होगा। 12% कम में बेचने का मतलब ये हुआ 100% उसकी अगर सेलिंग प्राइस है तो 12% कम में बेच रहा है। 12% कम में बेचने का मतलब हुआ 88% में बेच रहा है। तो इसका मतलब इस 23 रुपये का 88% जो होगा ना, वो हमारे पास सेलिंग प्राइस हो जाएगा। अब इसका 88% निकालोगे तो आपको कुछ सर 4 से कट गया, 22 बार 4 से कट गया, 25 बार। इसका गुणा करेंगे तो 23 दूनी 46 के 6 हासिल 4, 23 दूनी 46 और 4 50, 506/25। यानी उसका जो सेलिंग प्राइस आया ना, वो आ गया 506/25। यहाँ तक किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहा है क्वेश्चन वाला, अगर ये बेचता है तो उसका लाभ, उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात करना है, प्रॉफिट परसेंट ज्ञात करना है। तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करने के लिए मेरे दोस्त आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको कहे सर प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? तो प्रॉफिट निकालने के लिए सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देते हैं। तो इसमें से इसको माइनस जब करोगे आप तो आएगा 506/25 - 20। और इसको सिंप्लीफाई करोगे जब एलसीएम लेके, तो 1 का 506 से गुणा हो जाएगा 506, -25 का 20 से गुणा हो जाएगा 500, और नीचे में इन दोनों का गुणा 25, और 506 में से 500 घटाओगे तो 6/25। ये मेरे दोस्त आ चुका है इसका प्रॉफिट। अगर ये इसका प्रॉफिट है तो प्रॉफिट परसेंट कितना होगा? आप कहेंगे सर प्रॉफिट परसेंट निकाला जाता है प्रॉफिट अपॉन सीपी। सीपी पर निकलता है हमेशा 20 × 100, और इसको सॉल्व करेंगे तो 6/25 × 20 × 100। तो 20 से काट दिया इसको, तो 20 × 5 = 100, और 5 से 25 कट गया 5 बार, का मतलब 6/5। यानी हम ही कह सकते हैं 1 सही 1/5% का उसको प्रॉफिट होगा, और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। अब आप में से कई लोगों को ये लग रहा होगा कि सर इतना लेंदी प्रोसेस कैसे, थोड़ा शॉर्टकट बताओ। तो मैं इसका एक ऑल्टरनेट तरीका भी आपको बता देता हूँ कि देखिए, पहले प्राइस उसने क्या किया, 15% बढ़ा दिया, फिर क्या कर रहा है वो 15% कम में बेच रहा है। उस व्यक्ति को, मतलब किसी वस्तु की जो भी कीमत थी ना, उसमें 15% पहले उसने ज्यादा लिख दिया, माने उसकी मार्क प्राइस
15% ज्यादा कर दी, फिर वो कह रहा है कि 12% और उसके बाद उसने कम कर दिया। तो इसका मतलब पहले उसने 15% बढ़ाया और फिर बढ़े हुए कीमत में से 12% कम कर दिया, तो उसको एक्चुअल में कितना प्रॉफिट हुआ उसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि दोस्त देखो पहले उसने 15% बढ़ाया तो जो बढ़ाया वो प्लस में, फिर 12% घटा दिया तो माइनस में, और फिर प्लस माइनस माइनस, और 12 × 15/100 इससे सीधा हमारा आंसर आ जाएगा। तो 15 में से 12 घटाएंगे 3, और इसको काट दिया हमने 5 से, तो 5 × 3 = 15, 5 × 2 = 10, 20 बार, 4 से काट दिया 4 × 3 = 12, 4 × 5 = 20, इसका मतलब 3 − 3 = 9/5, 9/5, तो 5 × 3 = 15, 15 × 9 घटाएंगे तो 6, 6/5 का मतलब हो गया 1 = 1/5%। आप चाहे तो इसको अल्टरनेट इस तरीके से भी बना सकते हैं कि जब किसी चीज़ की कीमत को उसके मूल्य से कुछ ज़्यादा निर्धारित किया जाए और उस निर्धारित किए गए मूल्य पर कुछ कम किया जाए, तो हम उस क्वेश्चन को लगातार ऐसे वाले मेथड से भी कर सकते हैं कि पहले बढ़ाया तो प्लस में, घटाया तो माइनस में, प्लस इंटू माइनस माइनस, और फिर दोनों के गुणा में 100 से भाग दे दिया। और आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसका एकदम सही जवाब दिया था, उन सभी को बहुत बहुत बधाई। और अब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि हम लोग आगे बढ़ पाए। चलिए दोस्तों, अब हम आते हैं हमारे अगले टाइप टू के अंदर। टाइप टू के जो क्वेश्चन है उसको जरा हम लोग पढ़ते हैं, समझते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आइए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सुगना ने अपनी घड़ी को 5% हानि पर बेची। ठीक है सर, सुगना के पास जो भी घड़ी है उसको 5% के लॉस पर वो बेचती है। फिर कह रहा है कि यदि वह इसको 27 रुपये अधिक में बेचती, अगर वो इसको 27 रुपये ज़्यादा में बेच देती तो 27 रुपये ज़्यादा में बेचने से क्या होता, उसको 7% का लाभ होता, 7% का लाभ होता है। तो क्वेश्चन वाला आपसे जानना ये चाहता है कि बताइए घड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा, घड़ी को कितने में खरीदा गया होगा, इस बात को क्वेश्चन वाला जानने में इंटरेस्टेड है। चलिए एक एक बात को बहुत ध्यान से समझते हुए बढ़ते हैं। मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि घड़ी है सुगना की, उसकी कीमत मान लेते हैं कि 100 रुपये है। मान लिया कि घड़ी की कीमत कितनी है, 100 रुपये, कॉस्ट प्राइस उसकी 100 रुपये है। अब वो क्या कर रही है कि सुगना ने अपनी घड़ी को 5% लॉस पर बेचा, तो 5% लॉस पर बेचने का मतलब ये हुआ उसको 95 में उसने बेच दिया, सेलिंग प्राइस आ गई उसकी। अब कह रहा है कि यहाँ तक की बात जो मैंने ये येलो वाले से लिखा है, सॉरी हाईलाइट किया है, यहाँ तक की बात समझ में आ गई कि सर 100 रुपये अगर उसकी कॉस्ट प्राइस थी और उसने 5% लॉस पर बेचा मतलब 95 में बेच दिया। यदि वह इसको 27 रुपये अधिक में बेचती, अगर वो इसको 27 रुपये अधिक में बेचती ना मेरे दोस्त, 27 रुपये अधिक में अगर वो उसको बेचती तो क्या होता, उसको 7% का लाभ होता। माने 100 रुपये की जो चीज़ खरीदी है ना वो उसको 107 रुपये में बेचती, ये सेलिंग प्राइस आता। कब ये होता, मैंने उसको 7 रुपये का लाभ मतलब 107 रुपये में कब बेचती, जब वो 27 रुपये ज़्यादा में बेचती। अभी बेच कितने में रही थी, 95 में। अगर इस 95 यूनिट में जो बेच रही थी इसमें 27 रुपये अगर वो बढ़ा देती, 27 रुपये बढ़ा देती तो उसको 7% मतलब 107% का प्रॉफिट होता, माने वो 107 में उसको बेचती। क्या यहाँ तक की बात में कोई दिक्कत आपको, सर 5% लॉस में बेचा है और यहाँ 7% प्रॉफिट में बेचा है। आप मुझे ये बताइए, बहुत ध्यान से चीज़ों को सोच के बताना कि क्या आपको ये बात समझ में आई कि पहले वो 95 में बेचती थी। बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि एक सवाल समझ में आएगा उसके बाद चीज़ें एकदम आराम से समझनी शुरू हो जाएगी, फिर दिक्कत नहीं आएगी। फिर पहले क्वेश्चन तक दिक्कत है, उसके बाद मैं इसका अल्टरनेट तरीका भी एक बताऊंगा। 100 रुपये की कीमत थी, 5% लॉस मैंने 95 में बेचा, अगर उस 95 में बेचने की जगह अगर इसमें वो 27 रुपये और ज़्यादा ऐड कर देती, 27 रुपये और ज़्यादा में अधिक में बेचती तो उसको 7% का प्रॉफिट होता, मैंने वो 107 रुपये में बेचती। मैंने पूरी बात का मतलब ये हुआ, पूरी कहानी का निचोड़ ये निकलता है
95 रुपए की जो सेलिंग प्राइस थी उसको अगर वो बढ़ा के 107 कर देती है तो उसके विक्रय मूल्य जो है ना वो 27 रुपए ज्यादा आता है, विक्रय मूल्य को में उसको 27 रुपए ज्यादा मिलता है। तो मुझे बताइए इन दोनों का गैप कितना है, माने 95 से 107 ले जाने तक कितने का गैप हो गया। आप कहोगे सर 107 में से 95 घटा दो तो 12 आएगा, 12 यूनिट आएगा। यानी मेरे भाई वो एक्चुअल में कर क्या रही है सुगना, 95 को 107 बना रही है, माने वो 12 यूनिट बढ़ा रही है। जो सेलिंग प्राइस है ना, ये पहले सेलिंग प्राइस था, ये अब सेलिंग प्राइस है। तो सेलिंग प्राइस को 95 से जब 107 करती है, माने 12 यूनिट बढ़ाती है, तो उसको पैसे में 27 रुपये का फायदा होता है, 27 रुपये अधिक मिलते हैं। तो इसका मतलब 12 यूनिट की वैल्यू मेरे भाई 27। तो क्वेश्चन वाला मांग क्या रहा है, आपको रहा है कि घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात करो। घड़ी का क्रय मूल्य हमने कितना मान रखा है, 100। तो 12 यूनिट की वैल्यू अगर 27 रुपये है तो एक यूनिट की वैल्यू क्या होगी। आप कहेंगे सर एक यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 27/12 रुपये। लेकिन आपसे तो सर क्रय मूल्य पूछा जा रहा है ना, क्रय मूल्य का मतलब हो गया 100 यूनिट की वैल्यू। 100 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 27/12। अब इनको काट दो आप आराम से, कैलकुलेशन कर दो, आंसर आ जाएगा। तो आप कहेंगे सर अब हो जाएगा इसका कैलकुलेशन, 4 × 3 = 12, 4 से कट गया ये 25 बार, 3 से काट दिया इसको 9 बार, तो 25 × 9 = 225। उस वस्तु का जो क्रय मूल्य था वो था 225 रुपये, और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। अब मान लीजिए कि सर अभी भी हमको तो समझ में नहीं आया, अगर किसी भाई को अभी भी दिक्कत है तो आप ऐसे सोचिए, ऐसे सोचिए कि पहले जो भी सेलिंग प्राइस थी ना, वो जो भी जितने में भी वस्तु को खरीदा होगा, तो जैसे भी जब भी आपको ऐसा सवाल मिलेगा ना कि सुगुना ने अपनी घड़ी को 12% हानि पर बेचा और उसके बाद अगर वो 27 रुपये ज़्यादा में बेचती तो 7% का लाभ होता, तो आप मुझे बताओ 5% लॉस से को 7% प्रॉफिट तक जाना है, 5% नुकसान होने से लेके अपने इस नुकसान की भरपाई करते हुए 7% लॉस कमाना है। इस लॉस कमाने के दौरान वो 7 रुपये अधिक में बेचती है, इसका मतलब ये हुआ कि जब 5% में बेचा उसने लॉस में, तो और अब वो उसको 7% लाभ पर जब लेके गई, 5% नुकसान से 7% प्रॉफिट पर लेके गई, तो 27 रुपये उसको विक्रय मूल्य में ज्यादा मिला। इसका मतलब इन दोनों का जो अंतर है ना वो कितना है, आप कहेंगे जी 12 यूनिट का अंतर है, 12% का अंतर है। आप देखिए बड़े ध्यान से हानि को लाभ में ले जा रहा है। आपको सर ये 12% कहाँ से आ गया, अरे भाई ज्यादा में से कम घटाओगे तो 7 में से जब 5 आप घटाएंगे तो जो 7 है वो तो प्लस का, और माइनस का 5 घटाएंगे तो प्लस का 5 हो जाएगा, और 7 और 5 कितने हो जाएंगे, 12 सॉरी। अब मान लो आपको कि सर मेरे को तो ऐसे समझ में नहीं है, ऐसे सोचो जैसे मान लीजिए यहाँ पर 0 है, ये -5 यहाँ है और 7 हमारे पास यहाँ है, मुझे यहाँ से यहाँ तक जाना है, तो पहले तो 5 स्टेप यहाँ चलूँगा फिर 7 स्टेप यहाँ चलूँगा, तो पूरा मैं यहाँ से यहाँ तक कितने स्टेप चला, आप कहेंगे 12। इसका मतलब जब एक प्लस का हो और एक माइनस का हो दोनों को जोड़ दिया करो, यही अंतर आता है, कितना अंतर आएगा इसमें 12 का। तो हम जो है ना हमारे पास जो प्रॉफिट और लॉस का टोटल अंतर है वो कितना है, 12, और जो जितना अधिक या कम में बेचा वो उसके बराबर होगा, क्योंकि 27 रुपये जब हम यहाँ से 27 रुपये बढ़ा रहे हैं ना तब ये प्रॉफिट हमारे पास हो रहा है। इसका मतलब हमको इन दोनों का अंतर लेना है 12%, और वो 12% किसके बराबर है, 27 के। ये तो हमारे पास क्या आ गया, प्रॉफिट और लॉस का डिफरेंस। आपसे पूछा क्या गया है, क्रय मूल्य, तो किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा अपने आप में 100%, तो 12% की वैल्यू 27, आप सीधे 100% की वैल्यू निकाल दो, 27/12 × 100 आंसर 200 का आपका प्राप्त हो जाएगा। तो जब भी ऐसा सवाल आएगा आप सीधे लाभ और हानि का अंतर ले लीजिए और वो जितने कम या ज्यादा बेचता है उसके बराबर रख के 100% का मान निकाल दो, सीधा आपका आंसर आ जाएगा, बहुत आसान है। और अगर फिर भी आपको दिक्कत लगा तो अगला एक और क्वेश्चन ऐसे में करा रहा हूँ, 3-4 क्वेश्चन करेंगे, चीजें एकदम आसान हो जाएगी, एकदम आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।
चलिए अच्छा मैं ये हाईलाइटेड पार्ट हटा देता हूँ यार, आप लोगों को प्रॉब्लम होगी। आप इसके बाद अब आना है, अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं हम हमारे अगले टाइप टू के क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। आइए, कह रहा है कि एक आदमी एक गाय को 15% की हानि पर बेचता है, यदि वह उसे 150 रुपये ज़्यादा मूल्य पर बेचता है तो उसे 10% का लाभ होता है। ठीक है, मान लीजिए क्रय मूल्य कितना है 100 रुपये। क्रय मूल्य अगर उसका 100 रुपये है, माने सीपी उसका अगर 100 रुपये है, अब वो कह रहा है पहले 15% की हानि पर बेच रहा है। 15% पर हानि पर बेचने का मतलब कितने में बेचेगा, 85 में, ये सेलिंग प्राइस है। अब वो कह रहा है कि यदि वो 150 रुपये ज़्यादा में बेचता है, 150 रुपये अधिक में बेचता है, तो क्वेश्चन वाला कह रहा है कि उसको 10% का लाभ होता है। तो 10% का लाभ होने का मतलब ये हुआ कि वो 110 रुपये में उसको बेच रहा है, यानी वो अगर 85 रुपये से 85 रुपये से 85 रुपये से जब 110 रुपये सेलिंग प्राइस कर देता है ना, तो उसको 150 रुपये का लाभ हो रहा है, 150 रुपये ज़्यादा मिलता है विक्रय मूल्य में। तो इन दोनों के बीच में गैप कितना है, आप कहेंगे सर गैप है 15 और 10 25, का मतलब ये हुआ कि 25 यूनिट की जो वैल्यू है ना, 25 यूनिट की वैल्यू, माने लॉस और प्रॉफिट में कितने रुपये ज़्यादा उसने किए, 25 यूनिट जब बढ़ाया ना तो 150 रुपये उसको ज़्यादा में बेचा, विक्रय मूल्य ही तो दिया हुआ है, अधिक में बेचता है, और ये भी क्या है सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस का डिफरेंस सेलिंग प्राइस के डिफरेंस के बराबर होगा। तो 85 यूनिट की वैल्यू 150 रुपये, तो अगर 85 यूनिट 25 यूनिट 150 रुपये के बराबर है, तो 1 यूनिट कितने रुपए के बराबर होगा, आप कहेंगे सर 1 यूनिट 6 के बराबर होगा, भाग दे दिया अपन ने 25 से। तो आपसे पूछा गया है बस गाय का क्रय मूल्य कितना होगा, तो इसका मतलब आपसे 100 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है। 100 यूनिट की वैल्यू मेरे भाई 1 यूनिट 6 के बराबर, तो 100 यूनिट 600 रुपये के बराबर हो, यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। और अगर आप चाहें अल्टरनेट मेथड की, सर अल्टरनेट मेथड से बताइए, तो पहले 15% की हानि फिर 10% का लॉस, तो 15% की हानि और 10% के लॉस के बीच में कितना अंतर है, आप कहेंगे 25% का, मतलब 25% का गैप, और अमाउंट में कितने का गैप है, आप कहेंगे 150 रुपये ज़्यादा मिलता है, 25% की वैल्यू 150, तो 1% की वैल्यू 6, तो बताइए क्रय मूल्य पूछा है, क्रय मूल्य 100%, 100% की वैल्यू 600 रुपये, यही आपके इस क्वेश्चन का। तो आप चाहे तो इस मेथड से बना ले, या आप चाहे तो ये जो बेसिक मेथड है उससे बना, दोनों से आराम से आंसर निकल के आएगा, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे चीज़ों को सीखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड वाला कह रहा है कि किसी वस्तु को 19% की हानि पर बेचा जाता है, यदि उसे 120 रुपये अधिक पर बेचा जाता है तो 21% का लाभ हुआ, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, टिकटो जो हमने पिछले क्वेश्चंस किए हैं ना, एकदम सेम लैंग्वेज में दिया हुआ है। तो बताइए मुझे 19% की हानि और 20% का लाभ के बीच में कितना गैप हुआ, आप कहेंगे सर 40% का गैप, 40% की वैल्यू 120 रुपये। तो आपसे मांगा क्या है, वस्तु का क्रय मूल्य, माने 100% का वैल्यू मांग रहा है, तो 40% की वैल्यू 120, तो 100% की वैल्यू क्या होगी, 120/40 × 100, और 40 से 120 कट गया 3 बार, 3 × 100 हो जाएगा 300 रुपये मेरे दोस्त, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया है, और आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, 300 रुपये उस वस्तु का क्रय मूल्य होगा। बहुत सिंपल है, मैथ्स बहुत आसान है, एकदम आसान सब्जेक्ट, आपको एकदम आसान लगता होगा ना, यहाँ सर अब मैथ्स एकदम आसान हो चुकी है, अब मैथ्स पढ़ने में इंटरेस्ट भी आ रहा है, और आपको ऐसा लगता है कि बहुत आसान भी है। चलिए जल्दी आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए कह रहा है एक व्यापारी ने किसी वस्तु को 20% की हानि पर बेचा, यदि वह वस्तु का विक्रय मूल्य 100 रुपये अधिक होता तो उस पर उसको 5% का लाभ हुआ होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बिल्कुल पिछले जो हमने लगातार 3 क्वेश्चन किए ना, एज इट इज वैसे ही क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन मैं नहीं कर रहा हूँ, ये आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, आप इसे सॉल्व करके मुझे इसका कमेंट करके जरूर आंसर बताना, अगली क्लास में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, इसका आंसर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा।
आप जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं, अब हम लोग आगे हमारे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है, यदि इसे 25% लाभ पर बेचा जाता तो 35 रुपये अधिक मिलते। तो कह रहा है वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए मान लीजिए वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपये। अब 100 रुपये अगर उसका CP है तो कह रहा है पहले 20% लाभ पर बेचा गया। 20% लाभ पर बेचने का मतलब ये हुआ उसको 120 रुपये में बेचा गया, ये हमारे पास सेलिंग प्राइस आ गई। अब कह रहा है कि नहीं, अगर 120 की बजाय 25% लाभ पर बेचा होता ना, यानी 125 रुपये में बेचा होता तो हमारे को जो है ना, हमारे को 35 रुपये ज़्यादा मिलते। विक्रय मूल्य कितना बढ़ जाता? 35 रुपये एक्स्ट्रा मिलते। माने हम 120 रुपये में बेचने की बजाय अगर हम 125 रुपये में बेचते हैं ना उसको, तो 35 रुपये ज़्यादा मिलते। तो विक्रय मूल्य का अंतर कितना है? ये भी तो सेलिंग प्राइस है। आप कहेंगे सर दोनों विक्रय मूल्य का जो अंतर है ना वो 5 रुपये का है। 125 पहले 120 में बेच रहा था, अब वो 125 में बेच रहा है, यानी 5 रुपये ज़्यादा में बेच रहा है तो उसको 35 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं। इसका मतलब इन दोनों का डिफरेंस 5 का, यानी मेरे भाई 5 यूनिट की वैल्यू। आप कहेंगे सर 5 यूनिट की वैल्यू 35, तो 1 यूनिट की वैल्यू। आप कहेंगे सर 1 यूनिट की वैल्यू 7 रुपये। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 7 रुपये तो आपसे पूछा है क्रय मूल्य क्या होगा, मैंने 100 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है वो, 100 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? आप कहेंगे सर 700। यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया? बी ऑप्शन। तो यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है और बेहद सिंपल तरीके से हमने कर लिया। अब मान लो कि सर हम अगर दूसरे वाले तरीके से करें तो बताओ, मुझे लाभ और दोनों लाभ लाभ दिए हुए, तो 25% लाभ और 20%, तो 20% से लाभ 25% हो रहा है, इसका मतलब 5% का आपको उसमें फायदा हो रहा है, 5% का उसमें प्रॉफिट में हो रहा है 5% का फायदा। तो 5% की वैल्यू 35 रुपये। 5% की वैल्यू अगर 35 रुपये है तो 100% की वैल्यू क्या होगी? आप कहेंगे सर 35/5 × 100 = 700 रुपये। यही हमारे इस क्वेश्चन, तो आप इस वाले तरीके से भी करेंगे तो भी आप बहुत आराम से क्वेश्चन का आंसर लेके आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई जल्दबाजी नहीं है। एक एक छोटी छोटी बातों को सीखते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम आते हैं हमारे अगले टाइप की तरफ। अगला जो दोस्तों हमारा टाइप है ना, टाइप नंबर थ्री में हम इसमें पढ़ेंगे जब क्वेश्चन में दिया होगा जब ना तो लाभ हो और ना हानि हो। पहली बात, माने क्वेश्चन वाला बोलेगा कि आपको किसी चीज को खरीदने या बेचने पर ना तो लाभ हो रहा है और ना हानि हो रहा है, ठीक है? कितने में भी बेचा, कितने में भी खरीदा, लाभ हानि नहीं होगा। अब आगे कह रहा है कि दूसरी बात इसमें क्या होगी, जब दोनों ही वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान दिया होगा, विक्रय मूल्य समान होगा, सेलिंग प्राइस इक्वल दिया होगा, तो दो चीजें मिलेगी आपको। अब आगे के क्वेश्चन में एक तो क्वेश्चन वाला बोलेगा कि ना तो लाभ हो रहा है और ना ही हानि हो रहा है। दूसरी बात क्वेश्चन वाला बोलेगा कि जब दोनों ही वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो, यानी दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य भी आपको समान दिया जाएगा। लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ना है और जैसा जैसा लैंग्वेज वाला बोलेगा, क्वेश्चन वाला बोलेगा, बिल्कुल उसी तरीके से हम हमारे थॉट प्रोसेस को बनाएंगे, क्वेश्चन का एकदम हलवा बना देंगे, क्वेश्चन एकदम आसान बन जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 1, सीधे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आइए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है जिसमें क्वेश्चन वाला कह रहा है कि रमेश 5000 रुपये की दर से दो वस्तुएं बेचता है, विक्रय मूल्य समान है, हर वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है? 5000 रुपये। 5000 रुपये की दर से दो वस्तुएं बेचता है, यानी एक वस्तु की कीमत 5000 है, दूसरे की वस्तु की कीमत भी 5000 है। पहली लाइन तो क्लियर हो गई कि सेलिंग प्राइस दोनों का सेम है। पूरे लेन देन में न तो लाभ हो रहा है और ना हानि हो रहा है। तो मुझे लगता है शुरू की जो दो लाइनें थी ना, उन शुरू के दो लाइनों से ही आपको एकदम बात समझ में आ गई। सर देखो, यहाँ से जो यहाँ तक की बात है ना, ये आ गई हमारे पास सेकंड लाइन कि सर प्रॉफिट जो वस्तुओं का सेलिंग प्राइस है ना, विक्रय मूल्य वो समान है। अगली लाइन में क्वेश्चन वाला क्या बोल रहा है वो देखिए, मेरा पूरे लेन देन में ना तो लाभ हो रहा है और ना हानि हो रही है, मतलब लाभ और हानि दोनों बात
बराबर दी गई है। बहुत ध्यान से समझिएगा कि जब भी इस टाइप की लैंग्वेज वाला बोले उस तरह के क्वेश्चन को कैसे करना है ये बात हम लोग सीखेंगे। तो ये जो लाइन लिखी है सबका मतलब हमने जान लिया। अब आते हैं आगे। आगे क्वेश्चन वाला बोल रहा है आपसे कि भैया यदि एक वस्तु 16 सही 2/3% की हानि पर बेची गई तो दूसरी वस्तु कितने परसेंट लाभ पर बेची गई। सीधी सी बात है कि जब हानि और लाभ दोनों बराबर है और दोनों का सेलिंग प्राइस भी सेम है, बेचने का मूल्य भी समान है, एक वस्तु को अगर हानि पर बेचा है तो दूसरी को लाभ पर बेचना पड़ेगा। तो यही क्वेश्चन वाला जानना चाह रहा है कि एक वस्तु को अगर 16 से 2/3% की हानि पर बेचा गया तो ये बताइए कि दूसरी वस्तु को कितने परसेंट के लाभ पर बेचा गया। बहुत ध्यान से पहले क्वेश्चन को समझिए, पूरा कॉन्सेंट्रेट होकर समझना है, जो जो मैं बातें बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना। अगर आप पहला क्वेश्चन सीख गए तो डेफिनेटली आने वाले आगे जो भी 5-6 क्वेश्चन हम करेंगे इस क्लास में इसी टाइप पर बेस्ड, वो आपके लिए बेहद आसान एकदम हलवा क्वेश्चन बन जाएगा। तो बिल्कुल ध्यान से कॉन्सेंट्रेट होके एक एक बातों को सीखने की कोशिश करिए। आइए अब मैं आपसे के सामने क्वेश्चन को बना रहा हूँ। देखिए भाई कितनी वस्तुएं हैं, कहेंगे सर 2 वस्तु है, पहली वस्तु मान लिया दूसरी वस्तु, यहां तक कोई दिक्कत नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान लेते हैं पहली वस्तु के बारे में ही बात कर रहा है, मान लेते हैं कि पहली वस्तु पर 16 सही 2/3% की हानि पर बेची गई। आप मुझे बताओ 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू आप कहेंगे सर 1/6 होती है, 1/6 और ये हानि हो रहा है, हानि हो रहा है, इसका मतलब वस्तु को 6 रुपये में खरीदा गया है तो 1 रुपये की लॉस माने 5 रुपये में बेचा गया होगा। बिल्कुल सही बात है, इसका मतलब तो सर समझ में आ गया मुझे, इसका मतलब प्रॉफिट जो क्रय मूल्य है, यहाँ लाभ या हानि लिख रहा हूँ मैं और यहाँ लिख रहा हूँ मैं सेलिंग प्राइस। आप मुझे बताओ पहली वस्तु को 6 रुपये में खरीदा गया, 16 सही 2/3% का मतलब 1/6 लॉस हो रहा है, इसलिए माइनस में लिख दिया हमने, हानि हो रही है माइनस में लिखा, यानी 6 रुपये में खरीदने पर 1 रुपये का लॉस। बहुत ध्यान से समझिएगा, 6 रुपये में खरीदा है और 1 रुपये का लॉस मतलब माइनस वन लिखा, तो मुझे बताओ उसने बेचा कितने में होगा। तो आप कहेंगे सर बेचा तो 5 रुपये में होगा ना, जब 6 रुपये में खरीदेगा 5 रुपये में बेचेगा तभी तो 1 रुपये का लॉस होगा। हाँ सर बिल्कुल सही बात है, इसका मतलब ये आ गया। अब क्वेश्चन वाले ने बस इसके अलावा तो कुछ दिया नहीं है हमारे पास, इसके अलावा क्वेश्चन में कोई डेटा नहीं है। अगर कोई डेटा नहीं है मेरे भाई तो अब सब कुछ हमको हमारे दिमाग से चीजों को सोचना है। क्वेश्चन वाले ने बोला है कि सेलिंग प्राइस दोनों का सेम है, सेलिंग प्राइस दोनों का सेम है, सेलिंग प्राइस सेम है, ठीक है सर। आगे क्वेश्चन वाला कह रहा है कि प्रॉफिट और लॉस भी नहीं हो रहा है, माने प्रॉफिट और लॉस भी समान है, यानी आपको यहाँ अगर 1 यूनिट का लॉस हुआ है तो सेम यहाँ पर आपको 1 यूनिट का प्रॉफिट हुआ होगा, यही तो इसका मतलब हुआ, 1 यूनिट का आपको यहाँ पर प्रॉफिट हुआ होगा। हाँ सर बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, 1 यूनिट का सर मुझे यहाँ पर इसका मतलब प्रॉफिट हुआ होगा, ठीक है। अच्छा सेलिंग प्राइस भी सेम है, मतलब 5 यूनिट में अगर वो बेच रहा है तो यहाँ भी 5 यूनिट में बेच रहा होगा। बिल्कुल सर बिल्कुल एकदम सर, एक एक बात समझ में आ रही है कि प्रॉफिट और लॉस सेम है, तो यहाँ अगर 1 रुपये का लॉस हुआ है तो यहाँ 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ होगा, तभी तो पूरे लेन देन में लाभ हानि बराबर होगा। और साथ में बोला हुआ है कि 5000 रुपये की दर से दोनों वस्तु बेचता है, मतलब दोनों का सेलिंग प्राइस भी सेम है, यानी यहाँ 5 है तो ये भी 5 होगा। अब मुझे जरा बताइए किसी वस्तु को 5 रुपये में बेचने पर, बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बात क्योंकि एक ही क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझना है, उसके बाद क्वेश्चन को समझना आसान हो जाता है। किसी वस्तु को अगर 5 रुपये में बेचने पर भी 1 रुपये का लाभ हो रहा है तो खरीदा कितने में गया होगा। आप कहेंगे सर 4 रुपये में, इसका मतलब वस्तु सर 4 रुपये में खरीदा गया होगा, और 4 रुपये में खरीदा गया होगा इसका मतलब ये आ गया हमारे पास दूसरी वस्तु के लाभ हानि, सॉरी दूसरी वस्तु का हमारे पास क्रय मूल्य भी यूनिट में आ गया, प्रॉफिट भी आ गया और विक्रय मूल्य भी आ गया। हमसे मांगा क्या गया था, आप कहेंगे सर मांगा गया था कि दूसरी वस्तु कितने लाभ पर बेची गई, कितने प्रतिशत लाभ पर बेची गई। आप मुझे बताओ अब परसेंटेज प्रॉफिट निकालने के लिए, प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए आपको एक्चुअल डेटा की तो जरूरत है ही नहीं। अगर आप प्रॉफिट परसेंट निकालना चाहते हो तो एक्चुअल डेटा की जरूरत ही नहीं। सर 1 रुपये का लाभ हो रहा है 4 रुपये पर,
यही तो हुआ ना, विक्रय मूल्य कितना है 4 रुपए। लॉस और प्रॉफिट हमेशा किस पे निकालते हैं? सीपी पर। 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ 4 पर, तो मुझे बताओ प्रॉफिट परसेंट चाहिए तो 100 पर कितने का होगा? आप कहेंगे सर 100 पर हो जाएगा 25%, यानी मेरे भाई दूसरी वस्तु को उस व्यक्ति को 25% के लाभ पर बेचना पड़ेगा, तब जाके पूरे लेन देन में ना तो लाभ होगा और ना ही हानि होगी, और हमारा आंसर आएगा 25%। अगर किसी भाई को अभी भी दिक्कत है तो मैं फिर से एक बार इस सवाल को समझा रहा हूँ और उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, समझिए। आइए भाई, क्वेश्चन वाला कह रहा है कि रमेश ने 5,000 रुपये की दर से दो वस्तु बेचता है, मैंने विक्रय मूल्य समान है, पूरे लेन देन में ना तो लाभ हो रहा है और ना हानि हो रहा है, मैंने लाभ और हानि भी बराबर है। साथ में कह रहा है एक वस्तु को 16 सही 2/3% की हानि पर बेची गई है। एक वस्तु को 16 सही 2/3% हानि पर, 16 सही 2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/6 हानि हो रहा है, तो माइनस में लिखा, इसका मतलब वस्तु को 6 रुपये में खरीदा गया है और 1 रुपये लॉस पर बेचा गया है। तो 6 रुपये क्रय मूल्य आ गया, 1 रुपये का लॉस हुआ, इसका मतलब 5 रुपये में बेचा गया होगा। अब क्वेश्चन वाले ने बोला प्रॉफिट और लॉस समान है, तो यहाँ अगर 1 रुपये का लॉस हो रहा था, 1 रुपये का प्रॉफिट, प्लस में लिखेंगे प्रॉफिट, इसलिए लॉस होगा तो माइनस में लिखेंगे। विक्रय मूल्य भी समान है, तो यहाँ 5 रुपये सेलिंग प्राइस, तो यहाँ भी 5 रुपये। किसी वस्तु को 5 रुपये में खरीद कर सॉरी बेच कर 1 रुपये का लाभ हो रहा है, 5 रुपये में बेचने पर 1 रुपये का लाभ, तो कितने में खरीदा होगा? 4 रुपये में, 4 रुपये में खरीदा होगा। तो कह रहा प्रॉफिट परसेंट बताओ दूसरी वस्तु का, दूसरी वस्तु का प्रॉफिट 1 रुपये का 4 रुपये पर, तो 100 पर कितना? बहुत आसान है। हाँ सर, अब बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया कि हाँ सर ऐसा सवाल भी आएगा ना, एकदम हलवा कर देंगे हम उसको, एकदम हलवा है, बहुत आसान है। मैथ्स बहुत बहुत आसान सब्जेक्ट है, समझने का सब्जेक्ट है, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। चलिए अब आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उससे पहले मैं आपके पास ये हाइलाइटेड पार्ट जो है ना उसको मैं मिटा देता हूँ। चलिए आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्वेश्चन वाला कह रहा है कि एक व्यक्ति 8,400 रुपये प्रति टीवी की दर से 2 टीवी बेचता है, मतलब दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, एक टीवी को 20% लाभ पर बेचता है, लेकिन पूरे सौदे पर उसे ना तो लाभ हुआ और ना हानि हुई। क्या आपको ये लाइन मिल गई? पूरे सौदे में ना तो लाभ हुआ और ना हानि हुई, और साथ में विक्रय मूल्य दोनों वस्तुओं का बराबर है, एक वस्तु पे 20% का लाभ। चलिए पहली वस्तु, ये दूसरी, दो वस्तु बेच रहा है, पहली वस्तु पर 20% का प्रॉफिट, तो मेरे भाई 20% का मतलब 1/5 प्रॉफिट हो रहा है, तो 5 रुपये क्रय मूल्य, तो 20 रुपये, 20% का लाभ, मैंने 1 रुपये का लाभ कमा रहा है। तो अगर हम बात करें पहली वस्तु के सीपी प्रॉफिट या लॉस, और यहाँ लिख रहा हूँ मैं एसपी, तो 5 रुपये में अगर उसने खरीदा है, 1 रुपये के लाभ पर बेच रहा है वो, इसका मतलब उसको 6 रुपये में बेच रहा है, और दोनों का जो विक्रय मूल्य है वो समान है, लाभ और हानि भी बराबर है, तो 1 रुपये का यहाँ लाभ हो रहा था, 1 रुपये की हानि होगी। 1 रुपये का अगर यहाँ लाभ हो रहा है तो मेरे भाई 1 रुपये की यहाँ हानि होगी। हाँ सर, 1 रुपये की हानि होगी, तो 6 1 रुपये का लॉस। अगर 6 रुपये में बेचने से 1 रुपये का हानि हो रहा है, 6 रुपये में बेचने से 1 रुपये का हानि, तो खरीदा इसको कितने में होगा? आप कहेंगे सर 7 रुपये, तभी तो 1 रुपये की हानि होगी 6 रुपये में बेचने पर। बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन वाला कह रहा है दूसरे टीवी पर उसको कितने प्रतिशत की हानि होगी, दूसरे टीवी पर उसका हानि पूछा है, कितने रुपए की हानि हो रहा है? 1 रुपए पर। कितने पर? 7 पर। तो बताइए मुझे 100 पर कितना होगा? लॉस परसेंट निकाल रहे हैं ना दूसरी वस्तु का, 1/7 की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है? आप कहेंगे सर 14 सही 2/7%, 14 सही 2/7%, और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। बेहद आसान है, बेहद सिंपल है। चलिए आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्वेश्चन वाला कह रहा है कि एक व्यक्ति ने दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 2695 रुपये में बेचा, प्रत्येक को बेचा यानी सेलिंग प्राइस सबका सेम है, उसने पहले वस्तु को 18.75% लाभ पर बेचा, ज्ञात कीजिए कि दूसरे वस्तु को कितने प्रतिशत की हानि पर बेचना पड़ेगा। दूसरे वस्तु की हानि परसेंट पूछा है, कह रहा है कि यदि कुल लेन देन में ना तो लाभ हो रहा है और ना ही हानि हो रहा है, तो पूरे क्वेश्चन को पढ़ने से जो
बातें तो क्लियर हो गई कि सर सेलिंग प्राइस सेम है और लाभ और हानि भी नहीं हो रही है, लाभ और हानि दोनों बराबर है, और एक वस्तु को 18.75% के लाभ पर बेचा। और कितनी वस्तुओं की बात चल रही है? दो वस्तुओं, दो वस्तु लिख लिया। पहली वस्तु का यहाँ पे सीपी, यहाँ प्रॉफिट या लॉस, और यहाँ पे लिख रहे हैं एसपी, पहली वस्तु। अब मुझे बताओ जरा 18.75% का फ्रैक्शन वैल्यू, सर हमको तो याद ही नहीं है, ऐसे निकालो। 18.75% का मतलब 1/100, और यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100 और आ जाएगा। अब तो आप काटो इसको 25 से, 25 चौक 100, और 25 में 187 से भाग देंगे तो 25, 25 पंजे 125, 25 सिंह 150, 25 सत्ते 175, 187 में से, 187 में से 175 माइनस कर दो तो आई थिंक आएगा 12, 12 और 5 मिलके 125, 25 पंजे 125, फिर 25 से काटा 4 बार, 25 तिया 75, मतलब आ गया 3/16। इसका मतलब ये तो प्रॉफिट हो रहा था ना, इसका मतलब 3 रुपये अगर उसका क्रय, 16 रुपये उसका क्रय मूल्य है तो 3 रुपये का उसका लाभ हुआ, इसका मतलब उसने उस वस्तु को 19 रुपये में बेचा होगा। हाँ सर बिल्कुल सही बात है। अब यार 3 रुपये का लाभ हो रहा था या 3 रुपये का लॉस होगा, क्यों होगा? क्योंकि लाभ और हानि बराबर है पूरे सौदे में, और साथ में विक्रय मूल्य भी बराबर है, मतलब 19 है, यानी 19 रुपये में बेचने पर उसको 3 रुपये की हानि हो रही है। तो खरीदा कितने में होगा मेरे भाई? वो आप कहेंगे सर उसने खरीदा होगा इस वस्तु को, सोचिए 19 रुपये में बेचने पर भी उसको 3 रुपये की हानि हो रही है, इसका मतलब उसने 22 रुपये में खरीदा होगा। तो आपसे पूछा हानि प्रतिशत क्या होगा दूसरी वस्तु का, आप कहेंगे सर लॉस परसेंट सेकेंड वाली वस्तु का होगा, 3 रुपये का लॉस हो रहा है 22 पर, 100 पर कितना होगा? इंटू 100। आप इसको काट देंगे तो ये 11 बार कटेगा, और ये कटेगा 2 से काट रहे हैं 50 बार, 50 × 3 हो जाएगा 150 बटा। अब इसका भाग दे दो तो 11 में भाग दिया 15 में, 15 में भाग दिया 11 का एक बार, शेष बचेगा 4, 4 और 0 मिलकर हो जाएगा 40, 40 में 11 का भाग 3 बार, 11 × 3 = 33, 40 में से 33 माइनस करेंगे तो बचेगा 7, अब 7 में भाग नहीं जाएगा पॉइंट, तो क्या करेगा फिर 70 हो जाएगा, पॉइंट में से एक 0 आएगा 70, 70 में 11 का भाग 6 बार, 66 कितना बचेगा? तो सर अब 4 बचेगा, 4 में से पॉइंट में से 0 लेंगे 40, 40 में 11 का भाग 3 बार, और दो स्थान से ज़्यादा तक भाग देने की जरूरत नहीं है, तो हमारा आंसर हो गया लगभग 13.63%, और हमारा आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए में 13.63%, यही हमारा आंसर होगा, मतलब इतने रुपए की उसको लॉस होगी। मुझे लगता है कि हाँ सर ऐसा क्वेश्चन भी अब आएगा ना एग्जाम में, हम बेहद आराम से बनाने वाले हैं, बहुत कंफर्टेबल महसूस कर। चलिए जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आइए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर अगला 4 नंबर, एक व्यापारी ने 2 घड़ियों में से प्रत्येक को 750 रुपये में बेचता है, प्रत्येक घड़ी को 700 रुपये, 50 रुपये में बेच रहा है, इसका मतलब उसका सेलिंग प्राइस सेम हो गया। पहली वस्तु पर उससे 25% का लाभ होता है, पहली जो वस्तु है ना उस पर 25% का लाभ हो रहा है, लेकिन वह दूसरी वस्तु को इस प्रकार बेचता है कि पूरे लेन देन में ना तो लाभ और ना हानि होती है, तो दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य का अंतर ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन वही है, थोड़ा सा लैंग्वेज अलग है, मतलब सारा कामकाज वही करना है, बस आपसे छोटी सी एक गुजारिश क्वेश्चन वाले ने की है। अब आपको है ना प्रॉफिट या लॉस परसेंट निकालना है, दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य में अंतर कितना होगा ये आपसे क्वेश्चन वाला जानना चाहता है। तो सर ऐसा सवाल आएगा तो कैसे करेंगे? बहुत आसान है, देखिए मैं आपको सिखाता हूँ। देखिए दो वस्तु हैं, बिल्कुल सर दो वस्तु हैं, पूरे लेन देन में ना तो लाभ हो रहा और ना ही हानि हो रही है, ये बात भी समझ में आ गई, और दोनों का सेलिंग प्राइस भी सेम है। हाँ सर बिल्कुल सही है, यहाँ लिख दो आप सीपी, प्रॉफिट या लॉस, और यहाँ लिख दो एसपी। आप मुझे बताइए पहली वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है, क्या मेरे भाई 25% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको मालूम है कि? हाँ सर 4, 1/4 होता है इसका मतलब, और 1/4 ये लाभ दिया है तो प्लस में लिखेंगे, यानी 4 रुपये में खरीदा है तो 1 रुपये लाभ पर बेच रहा है, का मतलब उसका सीपी 4 रुपये, तो 1 रुपये का प्रॉफिट मतलब 6 रुपये में बेच रहा है। अब क्वेश्चन में बोला हुआ कि सेलिंग प्राइस तो सेम है, मैंने यहाँ 6, लॉस प्रॉफिट भी सेम है, मैंने 1 रुपये का लाभ हो रहा तो यहाँ 1 रुपये की हानि, 6 रुपये में खरीदने पर भी 1 रुपये का अगर उसको नुकसान हो गया, का मतलब उसने 6 रुपये में बेचने पर 1 रुपये का नुकसान हो गया,
मतलब उसने 7 रुपये में वस्तु को खरीदा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों हम लोग जरा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आगे अब हम आगे चलते हैं और आगे हम लोग इसके बारे में जानते हैं, दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य का अंतर ज्ञात करना है, ठीक है। सर दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य का अंतर आपसे पूछा गया है, आप मुझे बताओ दोनों घड़ियों में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य दिया हुआ है, और हमारे प्रत्येक का विक्रय मूल्य कितना है हमारे पास, 6। प्रत्येक का विक्रय मूल्य 6 का मतलब मेरे भाई 6 यूनिट की वैल्यू कितनी, आप कहेंगे सर 750। आपसे मांग क्या रहा है क्वेश्चन वाला, दोनों के क्रय मूल्य का अंतर, आप मुझे बताइए दोनों के क्रय मूल्य का अंतर कितना है। आप कहेंगे सर दोनों के क्रय मूल्य का जो अंतर है ना, दोनों के जो क्रय मूल्य का अंतर है ना वो है सर 3 रुपये का, 4 और 7 का अंतर 3, यानी आपसे 6 यूनिट की वैल्यू अगर ये है तो आपसे क्वेश्चन वाले ने 3 यूनिट की वैल्यू पूछा, 3 यूनिट की वैल्यू, तो आप क्या करेंगे इसका भाग, इसका आधा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 750/6 × 3, इससे कट गया ये 2 बार, अब इससे इसको काटेंगे तो 2 × 1 तो ये हो जाएगा 2 × 3 = 6, बचेगा 1 = 15, 2 × 7 = 14, बचेगा 1 = 10 हो जाएगा, 2 × 5 = 10.5, लगभग इतना 375 लगभग आंसर आएगा, इतने रुपए में उसको बेचना पड़ेगा, 375 ऑप्शन में है ही नहीं। एक बार और देखते हैं अपन, एक बार हम इसको और ट्राई करते हैं, समझते हैं। एक व्यापारी ने 2 घड़ियों में से प्रत्येक को 750 रुपये में बेचता है, ठीक है। पहली वस्तु पर 25% का लाभ हो रहा है, तो 25% का प्रॉफिट होने का मतलब ये हुआ 1/4, मतलब 4 रुपये में उसने खरीदा है तो 1 रुपये लाभ, मतलब और गड़बड़ किया अपन ने, यहाँ पे 5 आएगा भाई, तो नहीं हमने गलत कर दिया है। आइए थोड़ा चेंज कर देता हूँ मैं, बहुत ध्यान से देखिए, ये पहली वस्तु है, ये दूसरी वस्तु है, 25% का मतलब 1/4, इसका मतलब 4 रुपये में खरीदा है और 1 रुपये का लाभ हो रहा है, यानी वो 5 रुपये में बेच रहा है, विक्रय मूल्य समान है, लॉस ना, लॉस प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है, तो 1 रुपये का लाभ तो 1 रुपये की हानि, 5 रुपये में बेचने पर भी उसको 1 रुपये का नुकसान हुआ, माने उसने 6 रुपये में खरीदा होगा, का मतलब ये हुआ दोनों का सेलिंग प्राइस सेम दिया हुआ है और क्रय मूल्य का अंतर, तो सेलिंग प्राइस है कितना, आप कहेंगे सर 5 यूनिट, का मतलब मेरे भाई 5 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, 750 रुपये। अगर 750 रुपये है 5 यूनिट की वैल्यू, तो क्वेश्चन वाला यही तो कह रहा है दोनों के क्रय मूल्य का अंतर, दोनों के क्रय मूल्य का अंतर कितना है 2 का, तो 5 यूनिट की वैल्यू इतनी, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, आप कहेंगे सर 1 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए इसका भाग देंगे, तो 15×5 = 75, 150 रुपये। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 150, तो 2 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप कहेंगे सर 2 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 300 रुपये, 2 से गुणा कर देंगे 150 को, यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर, 300 रुपये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर है। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना, इसमें क्वेश्चन वाला कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 6,630 रुपये में बेचता है, प्रत्येक का सेलिंग प्राइस आ गया समान आ गया। अब आगे कह रहा है कि पहली वस्तु पर उसे 27.5% का लाभ होता है, लेकिन पूरे सौदे में यानी पूरे, लेकिन वह दूसरी वस्तु को इस प्रकार बेचता है कि पूरे लेन देन में न तो लाभ और न ही हानि होती है, यानी लाभ और हानि भी इक्वल है, यहाँ तक भी बात समझ में आ गई। हाँ सर, अब कह रहा दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य का अंतर ज्ञात कीजिए, थोड़ा सा क्वेश्चन में लैंग्वेज में अंतर है, क्रय मूल्य का अंतर पूछा है, जबकि इससे पहले लाभ और हानि में परसेंटेज पूछता था, तो अपने पास कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी पूछे हम आराम से निकाल देंगे। आइए दो वस्तुएं हैं, यहाँ पे लिख देंगे सर CP प्रॉफिट या लॉस, और यहाँ लिख देंगे SP। अब आइए 27.5% की फ्रैक्शन वैल्यू, तो आप कहेंगे सर 27.5% की फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 275/100 × 10, ये 10 क्यों आया, एक पॉइंट हटा उसकी वजह से, और प्रतिशत की वजह से 1/100, इसका फ्रैक्शन में वैल्यू निकाल दो, तो 25 × 100 ये हो जाएगा 25×25, बचेगा 2, 2 और 5 मिलके फिर 25,
25 से कम 25, 11/4, मैंने हम इसको कह सकते हैं 11/40, कि अब तो कट नहीं रहा है, यानी 40 में खरीदा है और लाभ हो रहा है 11 रुपए का। तो बताइए मुझे, 40 रुपए में खरीदने पर 11 रुपए का लाभ हो रहा है, इसका मतलब उसको 51 रुपए में बेचा होगा, बिल्कुल सही है। और विक्रय मूल्य समान है, विक्रय मूल्य दोनों में समान है, तो यानी 51 रुपए यहाँ भी आया होगा और प्रॉफिट और लॉस भी बराबर है, तो लॉस कितना रहा होगा 11 का। और बताओ मुझे, अब किसी वस्तु को 51 रुपए में बेचने पर भी 11 रुपए का लाभ हो, सॉरी लॉस हो रहा है, 11 रुपए की हानि हो रही है, तो उस वस्तु को कितने में खरीदा होगा? आप कहेंगे सर 62 रुपए में खरीदा गया होगा वस्तु को, तभी तो 11 रुपए का नुकसान होगा। 62 रुपए में खरीद कर 51 में बेचेंगे तब जाके 11 रुपए का उसको नुकसान होगा। यहां तक बात समझना। और प्रत्येक वस्तु का सेलिंग प्राइस 6,330 रुपए और यहाँ सेलिंग प्राइस कितना 51, तो मतलब 51 यूनिट की वैल्यू दी गई है क्वेश्चन में 6,630 रुपए। और अब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया क्रय मूल्य का अंतर, तो क्रय मूल्य में कितने का अंतर है? आप कहेंगे सर क्रय मूल्य में अंतर तो बहुत कम है, 12 का अंतर है, 12 यूनिट का अंतर है। 51 यूनिट की वैल्यू ये है, तो आपसे पूछा गया 12 यूनिट की वैल्यू बताओ, 12 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 6,630/51 × 12। बस अब इसको आप काट लो, आंसर आ जाएगा। तो 17 से काट दिया, 17 × 3 = 51, इसको 17 से काटेंगे तो 17 × 3 = 51, शेष कितना बचेगा? तो आप कहेंगे सर 15 बचेगा, 66 में से 17 माइनस करेंगे तो 66 में से 51 माइनस करेंगे तो 15, 15 और 3 मिलके 53, 17 × 9 = 153, और फिर आ गया 0। अब फिर इसको 3 से काट दो, तो 3 से काट दिया हमने इसको 4 बार, 4 से गुणा कर दो, 4 से 0 का गुणा 0, 4 को 9 से गुणा करेंगे तो 9 × 4 = 36 के 6 हासिल 3, 4 × 3 = 12 और 3 = 15, 1560 रुपये उनके विक्रय मूल्य का अंतर होगा, 1560 रुपये। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, 6,300 रुपये है ना, तो 51 यूनिट की वैल्यू इतनी हो गई। तो आपसे पूछा है विक्रय क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर, तो अंतर हो जाएगा 12 का, काटा अपने 17 से, 17 × 3 = 51, 12 आ गया 3 से 4 बार, 17 × 3 = 51, 66 में से 51 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? तो 15 ही आता है ना, 66 − 51 15, 15 और 3 मिलके हो जाएंगे 153, 153 में 17 से भाग, 17 × 9 = 153, ठीक है, और ये 0 और आ गया, 390 ही आएगा, 90 ही आएगा। अच्छा सॉरी, यहाँ गड़बड़ किया अपन ने यार, अरे 40 और 62 का जो डिफरेंस है ना वो 22 आएगा। मेरे से भी देखो कैलकुलेशन मिस्टेक है ना, बहुत केयरफुली काम करना पड़ता है, कैलकुलेशन मिस्टेक होगी, 22 यूनिट की वैल्यू निकालनी है आपको, तो यहाँ पे आ जाएगा 22। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 से ये तो नहीं कटेगा, इसका मतलब ये हुआ यहाँ तक तो हमने सही काटा है, ये जो 3 है ना, ये जो 3, इस 3 से फिर ये 390 को फिर काट दो, 390 कट जाएगा 130 बार। अब 130 को आप गुणा करो 22 से, तो 130 को 22 से गुणा करोगे तो 0, और 22 × 66 = 6 = 6, 22 × 6 = 28, यानी 2860 रुपये आंसर है। ये है क्या ऑप्शन में 26, 28, 27, 28, 260, तो 2860 रुपये आपका एकदम सही और करेक्ट आंसर है। तो कैलकुलेशन आप थोड़ा सा आप लोग भी ध्यान से करना, देखिए मुझसे भी कैलकुलेशन मिस्टेक बहुत आराम से होती ही है, तो आप लोग थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक का जरूर ध्यान रखना। यहाँ पे 12 की बजाय अंतर 62 का था, 22 का था, तो 22 की हमको वैल्यू निकालनी थी। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, आप जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, आइए। ये क्वेश्चन नंबर 6 भी है ना बिल्कुल आपके पुराने क्वेश्चन के जैसा ही, पिछले क्वेश्चन के जैसा है, तो ये क्वेश्चन मैं नहीं कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, आप इस क्वेश्चन को करना और सॉल्व करने के बाद मुझे इसका जवाब देना। पिछले जो क्वेश्चन हमने किए हैं ना उन्हीं के जैसा है,
आप इस क्वेश्चन को करेंगे खुद, इसको ये होमवर्क में रहेगा आपके लिए। दो क्वेश्चन में एक इसके बाद और होमवर्क में दे रहा हूँ, ये दोनों भी उसी टाइप के क्वेश्चन, थोड़ा बहुत लैंग्वेज में चेंजेस है, वो जो लैंग्वेज में चेंजेस है उसको आपको पढ़ना है और लैंग्वेज में चेंजेस के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करना है और फिर आंसर देना है। कोशिश करना बनाने की, मैंने थोड़ा अलग हटके सवाल जरूर दिया ये। आइए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7, इसको भी आपको होमवर्क में रहेगा, ये भी आपको खुद ही करना है। मैं थोड़ा सा अलग हटके क्वेश्चन जरूर आपको दे रहा हूँ, लेकिन ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जरूर आप इनको करना। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट भी। तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। आई होप कि आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये क्लास कैसी लगी, और अपने बहुत सारे फ्रेंड तक ज़रूर शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।